हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा डेली वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपको डेली मॉर्निंग में हमारा वीडियो मिलेगा। और जैसे ही 2000 व्यूज होने लगेंगे हमारे इस वीडियो पर डेली, हम तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाले हैं। डेली मॉर्निंग में शुरू, सुबह में हम लाइव स्ट्रीमिंग के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप सभी लोग कम से कम एक या दो दोस्तों को एग्जाम फोरम यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है Y.S. जगन मोहन रेड्डी को। किसे? Y.S. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Y.S. जगन मोहन रेड्डी कौन है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है Y.S.R. जगन मोहन रेड्डी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं Y.S.R. जगन मोहन रेड्डी, जिनको हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो इनको ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य में जो विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं उन योजनाओं के अच्छे परिणामों के लिए Y.S.R. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को। किसे? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच क्या है? स्कॉच एक कंपनी का नाम है, इसी कंपनी के द्वारा ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। अब आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? कहीं भी आपको YSR शब्द दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो YSR है इसका पूरा नाम है यादगुड़ी सांदिती राजशेखर रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी का नाम था। इन्हीं के पिता के नाम पर वर्तमान में आंध्र प्रदेश की सारी योजनाएं लागू होती हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नौदन योजना, YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR जलकल स्कीम, YSR जगन्ना विद्या कनुका योजना, YSR नाडू नेडू योजना, YSR ला नेस्तम योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से। जैसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं, कौन कौन सी? विशाखापट्टनम, कुरनूल तथा अमरावती। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं विशाखापट्टनम, कुरनूल तथा अमरावती। अमरावती शहर से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से? अमरावती जो शहर है इंडिया आज फर्स्ट जस्टिस सिटी है, यानी कि भारत का पहला जस्टिस सिटी है अमरावती। अमरावती शहर जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और जो अमरावती शहर यह गुंटूर जिले के अंतर्गत आता है। अब आपको आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे भारत का जो पहला मिसाइल पार्क है ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, और विशाखापट्टनम शहर को कहते हैं शॉर्ट में बिजाग। बिजाग किसे कहते हैं? विशाखापट्टनम शहर को बिजाग के नाम से जानते हैं। और विशाखापट्टनम शहर में ही जो रेलवे का 18वां जोन है जिसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में, इसीलिए जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश के राजमंदूरी शहर में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती दामों पर भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन योजना शुरू किया है? तो हाल ही में गरीबों लोगों को
सस्ते दामों पर भोजन मुहैया कराने के लिए माँ नामक कैंटीन योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ये जो थाली होगी कुल 20 रुपये की होगी, इसमें 15 रुपये पश्चिम बंगाल सरकार देगी तथा 5 रुपये लोगों को देना होगा और इस थाली में दाल चावल रोटी सब्जी तथा अंडे की करी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? दाल चावल रोटी सब्जी तथा अंडे की करी दी जाएगी माँ कैंटीन नामक जो योजना शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत। अब आपको इसी प्रकार से कुछ योजनाएं याद रखनी है, जैसे अम्मा कैंटीन योजना जो है ये तमिलनाडु में शुरू की गई है, दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, शिव भोजन थाली महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। यहाँ पर बात की गई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है TMC पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और पश्चिम बंगाल में होने वाले अप्रैल महीने में विधानसभा के चुनाव। अप्रैल महीने में विधानसभा के चुनाव जो है टोटल 5 राज्यों में होंगे, कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी तथा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में अप्रैल महीने में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता। जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, इस पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में चुना गया है बांग्लादेश को। कोलकाता जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो आपको याद रखना है कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर इसका नया नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारत का जो पहला टायर पार्क है ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का जो पहला टायर पार्क है ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भारत की पहली एक नाव पुस्तकालय यानी कि बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है कोलकाता शहर में। देश की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है यानी कि पानी के नीचे चलने वाली जो मेट्रो है यह है कोलकाता मेट्रो। जो कोलकाता मेट्रो है यह हुगली नदी के किनारे चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, HCL टेक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में HCL कंपनी जो कि भारत की एक IT कंपनी है, इसने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि IIT कानपुर कहाँ है, तो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, कानपुर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर जो शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको कानपुर शहर से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ये कानपुर शहर में स्थित है। कानपुर शहर में सबसे ज़्यादा लेदर जो होता है, चमड़ा होता है, इसका उद्योग है, इसीलिए लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है कानपुर शहर को। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है कानपुर शहर को। और भारत का पहला जो मेगा लेदर पार्क है स्थापित किया जाएगा कानपुर शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको कानपुर शहर से याद रखने हैं। यहाँ पर बात की गई है HCL कंपनी की। HCL कंपनी जो कि भारत की एक IT कंपनी है, HCL कंपनी का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, HCL कंपनी के CEO हैं सी विजय कुमार, HCL कंपनी के फाउंडर हैं यानी कि संस्थापक हैं CEO नादर, और वर्तमान में HCL कंपनी की चेयरमैन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि CEO नादर की बेटी हैं। कौन है? CEO नादर की बेटी हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि भारत की सबसे अमीर महिला हैं। कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि भारत की सबसे अमीर महिला हैं। अगर व्यक्ति पूछे तो पुरुष पूछे तो उत्तर होगा मुकेश अंबानी। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, जबकि महिलाओं में सबसे अमीर हैं रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL कंपनी के फाउंडर CEO नादर की बेटी हैं। अब आपको 5 IT कंपनियों के नाम याद रखने हैं तथा इनके CEO याद रखने हैं। यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? TCS, विप्रो, इन्फोसिस,
तथा टेक महिंद्रा, ये है पांच आईटी कंपनी जो कि भारतीय आईटी कंपनी है। इन्हीं के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सीईओ, तो एक एक करके देख लेते हैं। टीसीएस, जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से जानते हैं, वर्तमान में टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। टीसीएस का मुख्यालय है मुंबई। इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं सलील पारिक। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु। विप्रो कंपनी के सीईओ हैं थेरी डेलापार्टे, जो कि फ्रांस देश से हैं। विप्रो का भी मुख्यालय है बेंगलुरु। अगली कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, टेक महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं सीपी गुरनानी और टेक महिंद्रा कंपनी का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर को। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु शहर में भारत में सबसे ज्यादा आईटी कंपनियों का मुख्यालय है। अब आपको गंगा जल प्रश्न सीरीज क्वेश्चन करने हैं। गंगा जल का मतलब फिल्म वाला गंगा जल नहीं, ये गंगा वो जल है कि आप इस गंगा जल को ही पीकर भाव सागर को पार कर पाएंगे, ये वो वाला गंगा जल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना गंगा जल प्रश्न सीरीज। इसमें क्या क्या शुरू करेंगे? पहला है फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री, यानी कि जो भारत का आईटी इंडस्ट्री है उसे उसके पितामह किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है फकीर चंद्र कोहली को। और ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखना है। क्यों? क्योंकि जो फकीर चंद्र कोहली हैं इनका हाल ही में नवंबर 2020 में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है फकीर चंद कोहली को। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया यानी कि हरित क्रांति के जनक भारत में कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष के जो जनक हैं इनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जादव पयेंग को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और मेट्रोमैन कहा जाता है ई श्रीधरन को, मेट्रोमैन कहा जाता है ई श्रीधरन को। और ये इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आपको याद रखना है मेट्रोमैन कहा जाता है ई श्रीधरन को, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस आईपीएल टीम ने अपना नाम बदल दिया है? तो हाल ही में एक आईपीएल की टीम है जिसने अपना नाम बदल दिया है। इस टीम का नाम है किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपना नाम बदल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नया नाम क्या है। तो किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने अपना नाम बदल कर नया नाम रख लिया है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब नाम बदल कर नया नाम रख लिया है और साथ ही साथ अपना नया लोगो भी लॉन्च किया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है किंग्स इलेवन पंजाब का नया लोगो पंजाब किंग्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब किंग्स कंपनी की मालिक कौन है? तो पंजाब किंग्स जो टीम है इसकी मालिक हैं अभिनेत्री प्रीति जिंटा, निस वाडिया तथा मोहित बर्मन। प्रीति जिंटा, निस वाडिया, मोहित बर्मन वर्तमान में पंजाब किंग्स आईपीएल टीम की मालिक हैं। और इसके कैप्टन कौन हैं? तो वर्तमान में पंजाब किंग्स आईपीएल टीम के कैप्टन हैं केएल राहुल। अब आपको आईपीएल से कुछ क्वेश्चन याद रखना। जैसे आईपीएल 2021 जो है ये 14वें नंबर का आईपीएल यानी कि इसका 14th एडिशन है। और आईपीएल 2021 की जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है ये है मोबाइल कंपनी वीवो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले साल जो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को मार दिया गया था उसकी वजह से वीवो का जो टाइटल स्पॉन्सर था ये छीन लिया गया था, लेकिन फिर से वीवो कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर दे दिया गया है। तो आपको याद रखना है आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वीवो। और आईपीएल 2021 में टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 8 टीमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स,
मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर हैदराबाद। इनमें से दो टीमों के मालिक के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं एक्टर शाहरुख खान और मुंबई इंडियंस की मालिक हैं मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। हाल ही में आईपीएल 2021 का ऑक्शन हुआ है, तो इसमें आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 16.25 करोड़ रुपए में। तो आपको याद रखना है 2021 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, जिनको राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। ये तो बात हो गई ओवरऑल खिलाड़ियों की, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों में सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बिके हैं कृष्णप्पा गौतम। भारतीय खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं कितने में? 9.25 करोड़ रुपए में। इनको खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने। आईपीएल 2021 की जो गवर्निंग काउंसिल है, इसके चेयरमैन है ब्रजेश पटेल। कौन? ब्रजेश पटेल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल 2021 के चेयरमैन हैं। आईपीएल जो है भारत की एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसी प्रकार से भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी जो ट्रॉफियां हैं भारत की घरेलू ट्रॉफियां हैं क्रिकेट से संबंधित। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो उत्तर होगा क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है तमिलनाडु की टीम ने। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि 87 यानी कि 87 सालों में पहली बार 2021 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन 2021 में नहीं किया जाएगा, 87 सालों में ये पहली बार हो रहा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में स्नेकपीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केरल राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? तो स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें जो सांप होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के फोटो तथा उनकी जानकारी साझा की जाएगी, और ये जो एप्लीकेशन है ये बनाया गया है केरल के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों तथा फोटोग्राफर की एक टीम के द्वारा तैयार किया गया है। इस स्नेकपीडिया जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के सांप हैं भारत में पाए जाने वाले, उनके फोटो, उनके बारे में जानकारी तथा उनसे संबंधित जो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इलाज की सारी जानकारी इस स्नेकपीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन पे शेयर की जाएगी, और इसको लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। अब आपको सांपों से रिलेटेड 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से? स्टडी ऑफ स्नेक, जो सांपों का अध्ययन, इसे क्या कहते हैं? तो सांपों के अध्ययन को कहते हैं सरपेंटोलॉजी, और इसी को ही ओहियोलॉजी या हरपेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सरपेंटोलॉजी, तो आपको याद रखना है सांपों के अध्ययन को सरपेंटोलॉजी, ओहियोलॉजी या हरपीटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो सांप का जहर होता है उस जहर के अध्ययन को कहते हैं विष विज्ञान, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं सांप के जहर के अध्ययन को। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको टिक मार के रखना है। और ये जो विष होता है, विष के अध्ययन के लिए भारत में एक संस्थान है, ये संस्थान क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि स्थित है नवाबों के शहर लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो सांप का विष होता है या अन्य प्रकार के जो विष होते हैं उन विष के अध्ययन के लिए भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि स्थित है नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ पर बात की गई है स्नेकपीडिया, मतलब सांपों से रिलेटेड।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विकिपीडिया जो आप दिन भर खोलते रहते हैं इसको किसके द्वारा बनाया गया था, विकिपीडिया जो कि आप फ्री ऑफ कास्ट एक सर्फिंग इंजन है, वेबसाइट है, विकिपीडिया को बनाया गया था जिमी वेल्स तथा लैरी सेंगर के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विकिपीडिया के फाउंडर कौन हैं, तो विकिपीडिया कंपनी के फाउंडर हैं जिमी वेल्स तथा लैरी सेंगर। यहाँ पर बात की गई है केरल राज्य की, तो केरल राज्य से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे वर्तमान में केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है केरल के कोझिकोड शहर में, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है केरल के अलुप्पाजा शहर में, देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू की गई है केरल राज्य में, भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल राज्य में, भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल राज्य में। तो ये सारे क्वेश्चन केरल से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है। और हाल ही में केरल राज्य में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, इस प्रोग्राम का नाम है वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, इसमें जो केरल राज्य के गरीब बच्चे हैं स्कूलों में, उनको निशुल्क में IAS तथा PCS की जो कोचिंग है, कोचिंग सुविधा प्रोवाइड की जाएगी वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम के तहत। तो आपको याद रखना है वन स्कूल वन IAS जो कि फ्री में IAS तथा PCS की कोचिंग है, ये केरल राज्य में शुरू की गई है। और इसी प्रकार से मिलती जुलती एक योजना जिसका नाम है अभ्युदय प्रोग्राम, जो अभ्युदय प्रोग्राम है जिसमें सभी प्रकार की कोचिंगें IIT JEE IAS PCS बैंक टीचिंग या फिर SSC की सारी जो कोचिंग है ये मुफ्त में प्रोवाइड की जाएंगी अभ्युदय प्रोग्राम के तहत। और अभ्युदय प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब आपको केरल राज्य से एक मंदिर का नाम याद रखना है, इस मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, ये केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिला में स्थित है। जो सबरीमाला मंदिर है ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, और सबरीमाला मंदिर में ही हर साल एक उत्सव होता है, इस उत्सव का नाम है मकर बिलक्कू उत्सव। केरल राज्य का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से, कथकली तथा मोहिनी अट्टम। केरल राज्य का एक त्यौहार है जिसका नाम है ओणम। ओणम जो त्यौहार है ये केरल राज्य का है, और केरल राज्य में ही भारत की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है वेम्बनाद झील, और इसी वेम्बनाद झील में एक ट्रॉफी का आयोजन होता है, इस ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। जो नौका दौड़ संबंधित ये रेस है इसका आयोजन किया जाता है वेम्बनाद झील में, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। केरल राज्य से आपको चार नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, इडुक्की नेशनल पार्क तथा पेरियार टाइगर रिजर्व। ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया, आपको बताना है कि सतीश शर्मा किस पार्टी के एक दिग्गज नेता थे। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता थे। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कैप्टन सतीश शर्मा जो हैं ये नरसिम्हा राव सरकार की सरकार में 1993 से लेकर 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया है, और जो कैप्टन सतीश शर्मा हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सबसे करीबी मित्र भी माने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो सतीश शर्मा हैं इनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सेक्टर को 12,195 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को 12,195 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की मंजूरी दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना क्या है, तो इसके तहत जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की वस्तुएं हैं जैसे
नेटवर्किंग संबंधी उत्पाद जैसे स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण तथा अन्य जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वस्तुएं हैं, इनका अगर कोई कंपनी निर्माण करता है, इनको बनाता है, तो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर 12,195 करोड़ रुपये टोटल इस सेक्टर को दिए जाएंगे एज अ सब्सिडी, जिससे कि जो कंपनियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इन सारे सामानों को भारत में मेड इन इंडिया के तहत निर्माण कर सकें। तो आपको याद रखना है, मेड इन इंडिया के कंपनी, मेड इन इंडिया योजना के तहत जो टेलीकॉम सेक्टर के वस्तुएं हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वस्तुएं हैं, इनको निर्माण करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को भारत सरकार 12,195 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब है एक प्रकार से सब्सिडी। वर्तमान में भारत के दूर संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, UNHRC के एडवाइजरी यानी कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हाल ही में UNHRC के एडवाइजरी यानी कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं अजय मल्होत्रा। कौन है? अजय मल्होत्रा। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अजय मल्होत्रा। UNHRC क्या है? जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। भारत भी UNHRC का एक सदस्य देश है और हाल ही में अमेरिका देश ने अनाउंस किया है कि हम UNHRC को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने UNHRC से अपने आप को अलग कर लिया था, क्विट कर लिया था, लेकिन फिर से जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। और हाल ही में UN मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिजी देश की राजदूत नजहत समीम खान को चुना गया है। नजहत समीम खान वर्तमान में UNHRC की अध्यक्ष हैं, जो कि फिजी देश की राजदूत हैं। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में, जिसके लिए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है आलोक शर्मा को। यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत टोटल 193 देश आते हैं और लेटेस्ट यानी कि जो आखिरी मेंबर देश है, ये है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अम्बेसडर हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है एस थियोडोर भास्करन को अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भास्करन, जो कि एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं एवं प्रकृतिवादी कार्यकर्ता हैं। इन्हीं को अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो भास्करन को वन्य जीव संरक्षण से संबंधित अंग्रेजी तथा तमिल भाषा में लेखन कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बेशर्म पुरस्कार प्रश्न सीरीज से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। बेशर्म क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछे जाने तय हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम दिया है बेशर्म पुरस्कार प्रश्न सीरीज। ये कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला है एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला कौन है? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के CEO आधार पूनावाला।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सस्मिता लेंका को। मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है रंजीत सिंह डिसले को। महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार जो कि सुपर 30 IIT JEE कोचिंग के संस्थापक हैं। ये हैं हमारे क्वेश्चन बेशर्म पुरस्कार सीरीज, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो हाल ही में नेशनल कल्चरल फेस्टिवल के 11वें एडिशन का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है हर साल। क्यों किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है राज्यों की जो लोक कला है, जनजाति कला है, नृत्य है, संगीत है, व्यंजन है, उन सभी को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य है इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए कलाकार तथा कारीगरों को उनकी आजीविका के जो साधन हैं जल्द से जल्द तथा आसानी भाषा में प्रोवाइड हो सकें। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो 11वां एडिशन है इसका आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि अब हर साल 23 जनवरी को भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब हर साल भारत में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस साल जो मनाया गया ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि है बहुपरीक्षा प्रश्न सीरीज। बहुपरीक्षा प्रश्न सीरीज का मतलब क्या है? आप कोई भी एग्जाम देने जाएं हर एग्जाम में उस एग्जाम में जिसमें GK या GS क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन आना आते हैं। ये कौन 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 से क्वेश्चन हैं? पहला है बागवानी किसे कहते हैं? तो वेजिटेबल का जो फार्मिंग है इसे हम बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूलों फलों की खेती को फ्रूटिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पक्षी पालन को हम एविकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर। और अंगूर की खेती को वीटी कल्चर। ये हैं बहुपरीक्षा प्रश्न सीरीज। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं आपके एग्जाम में आना तय है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम आप अपने एक या दो दोस्त को एग्जाम फोरम यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग ला सकूँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।